स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी को, हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे बच्चों कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। तो हमने देखा कि रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है वो भाई तीन बनी होती है, तो अल्फा पार्टिकल पार्टिकल, सेकेंड वन बीटा पार्टिकल, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट वन कह सकते हैं हम लोग गामा रेडिएशन, गामा रेज भी लिख सकते हैं हम लोग उसको, गामा रेडिएशन, ठीक है। यहाँ तक हम बात कर सकते हैं। आपके तहत हमने देखा था इसके अंतर्गत कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अल्फा पार्टिकल की जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उन पर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा था भाई कि ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ते हैं उनको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, उनको पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएट होते हैं उनको हम बीटा पार्टिकल नाम दे रहे थे, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और एक जो बिना मोडेशन के निकल रहे थे विदाउट डिफ्लेक्शन डेविएट हुए, उस पर हमने देखा कि उन पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है और उन पर जो क्या बोलते हैं चार्ज होता है वो जीरो होता है, गामा रेज हम उनको नाम दे रहे थे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल, किसी की भी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। तो अब हम इन पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, या तीनों के ही बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो टॉपिक का नाम है भाई प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल कॉमा बीटा पार्टिकल एंड गामा, ठीक है। ये है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रे, इनकी प्रॉपर्टी अपन देखेंगे। इनकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं भाई प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट हम क्या चर्चा कर रहे हैं बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये है टॉपिक का नेम। प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों इसके अंतर्गत अपन अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग फाइव प्रॉपर्टी कि अल्फा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं बच्चों हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियर, हीलियम न्यूक्लियस कह सकते हैं। देयरफॉर मास ऑफ
रिलीजियस होते हैं और मिलियन भी रिलीजियस होते हैं बच्चों, हम क्या बात कर रहे हैं कि इनका जो मास है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स है और चार्ज है वो कैसा है, प्रोटॉन का 2 टाइम्स है। तो एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं बच्चों, अपन ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, अपन चार प्रॉपर्टी पर ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे आपने देखा भी, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि दी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 0.05 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है, ये लगभग है। जैसे कि हम बात करें अल्फा अलग रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो अलग अलग वेलोसिटी से निकलते हैं, बट हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये लगभग में है कि जो अल्फा पार्टिकल है क्योंकि वो हैवी होता है, हैवी होता है इसलिए उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। कितना टाइम से लगा रखी है, 0.05 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोक्सीमेट लगभग है, ये एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की देखेंगे हम लोग, दी पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी लो कंपेयर टू मीडिया पार्टिकल, कंपेयर टू बीटा बीटा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एंड गामा रे, ठीक है भाई। अगर इनका जो पेनिट्रेशन पावर है उनका हम रेशियो देखा तो आता है 1:100:10,000। मतलब पेनिट्रेशन पावर की बात करें बच्चों हम लोग, तो अगर पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल की 1 है तो बीटा पार्टिकल की 100 है, और गामा फोटॉन्स जो कि बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये बना देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन पावर। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन पावर। तो नेक्स्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी, दी आयोनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी हाई कंपेयर टू वेरी हाई कंपेयर टू बीटा पार्टिकल एंड गामा, और इनका जो रेशियो होता है बच्चों वो होता है 10,000 टाइम्स। ये तो है इसका रेशियो, पेनिट्रेशन पावर है अल्फा पार्टिकल की
फिर है बीटा पार्टिकल की, फिर है गामा की, ठीक है। तो इनकी आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टाइप से अपन ने चार ही प्रॉपर्टी देखी। हालांकि मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि ऐसी प्रॉपर्टी किताब में भी खूब सारी लिखी हुई है, तो जो तुम्हें अच्छी लगे उतने में अगला लगभग चार ही प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। भाई अभी कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है थोरेटिकली कि प्रॉपर्टी लिखना है, तो उसके लिए अपने कोई प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टी। नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टी। नेक्स्ट देख रहे हम लोग टॉपिक का नाम लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स में हम कहेंगे कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है, ये दो टाइप के होते हैं। पर अपन केवल बीटा पार्टिकल की बात करते हैं, अपन इलेक्ट्रॉन की भी चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहली प्रॉपर्टी की भी, कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि बीटा पार्टिकल आर बीटा पार्टिकल्स आर बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विच आर इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस। तो बच्चों बीटा पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, जो कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं। जो बीटा पार्टिकल है वो जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये कहाँ से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, देयरफॉर द मास ऑफ बीटा पार्टिकल of beta particle, therefore the mass of beta particle is equal to beta particle is equal to mass of इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन है बीटा माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर, बट चार्ज क्या रहेगा, मास क्या रहेगा, प्रोटॉन के बराबर रहेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, वेलोसिटी की चर्चा कर रहे थे हम लोग, कि वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज फ्रॉम लाइज बिटवीन इट्स लाइज बिटवीन
याद रखने में सुविधा रहेगी।
ठीक है चलो, अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था भाई, अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को पता होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट आर्टिकल देख रहा हूँ कि हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डिके होता है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? एल्फा बीटा है गामा की फॉर्म में वो डिके होता है। तो ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में कुछ एक बात बता दूँ तुम्हारे को आज कि क्या क्या है कि ये सपोज करें ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसके बीच में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का देता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसके ये यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव पदार्थ मैंने रख दिया है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इससे जो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है उससे कैसे डिके होता है, या तो एल्फा पार्टिकल निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो इसके द्वारा वो डिके होता है, एल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल के द्वारा कोई भी डिके होता है और गामा रेडिएशन इनके साथ में निकलती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन करेंगे बच्चों? कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्फा डिके बीटा डिके है गामा डिके। तो ये है टॉपिक एनर्जी, एल्फा पार्टिकल कब निकलेगा, किस कंडीशन में एल्फा पार्टिकल निकलता है न्यूक्लियस से, और एल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम अब डिस्कशन करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्फा डिके बीटा डिके एंड गामा डिके, ठीक है ना। तो अपन चाहोगे टॉपिक का नाम तो अभी अभी लिख सकते हैं हेडिंग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, कि एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्फा डिके एंड बीटा डिके। क्वेश्चन आए हुए हैं एल्फा डिके बीटा डिके और गामा डिके से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये सारी सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।